अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अक्सर उकात हम वजन को मुख्तलिफ जगहों पे रखते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर और वो मुख्तलिफ शो करता है, यानी इसमें कॉर्निंग आती है। यानी अगर फर्स्ट करें 20 केजी को हम यहाँ पर रखते हैं या दूसरे कोने पे रखते हैं तो या 100-200 ग्राम कभी बढ़ जाता है एक से दूसरे कोने का, किसी जगह किसी कोने पे 100-200 ग्राम कम शो करता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कॉर्निंग क्या होती है, इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और क्या इससे वजन में फर्क आता है, और इस कॉर्निंग के मुताबिक आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है मैं 20 केजी को जो है मुख्तलिफ कोनों में रख के आपको दिखाता हूँ कि क्या इसका वाकई फर्क आ रहा है। तो हमारे पास ये 20 केजी का डेड वेट है, इसको हमने एक कोने पे रखा, तो आप ये देखेंगे ये 20 केजी 100 ग्राम हमने बता रहा है। तो इसी तरीके से मैं इस कोने पे अगर रखता हूँ तो यहाँ पर भी 20 केजी हमें 100 ग्राम बता रहा है। तो अगर मैं इसको तीसरे कोने के ऊपर रखता हूँ तो यहाँ पर 19 केजी 900 ग्राम हमें बता रहा है। तो अगर इसी तरीके से मैं इसको तीसरे कोने के ऊपर रखता हूँ तो यहाँ पर हमें 19 केजी 900 ग्राम बता रहा है। यानी इन दो कोनों के ऊपर हमें 19 केजी 900 ग्राम बता रहा है और इन दो कोनों के ऊपर हमें 20 केजी 100 ग्राम बता रहा है, यानी 200 ग्राम का जो है आगे पीछे का फर्क आ रहा है। तो अगर हम इसको किसी तरीके से भी अगर हम दरमियान में कहीं रखते हैं तो यहाँ पे हमें 20 केजी हमें पूरा बता रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दरमियान में थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं तो 100 ग्राम का फर्क आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे जैसे हम वेट बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे चारों कोनों का भी फर्क बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हमने ज्यादा वजन के ऊपर इसकी कॉर्निंग चेक करनी है। तो कॉर्निंग चेक करने के लिए सबसे पहले हमने इसके जो पॉइंट है, यानी अभी ये 100 ग्राम के ऊपर चल रहा है, तो अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले 1 ग्राम के ऊपर या 10 ग्राम के ऊपर हमने चलाना है, ताकि कम से कम एक्यूरेसी के ऊपर हम चलाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें 100 ग्राम का जो फर्क आ रहा है वो क्या वाकई 100 ग्राम का है या 50 ग्राम का है या 40 ग्राम का है। तो सबसे पहले हम इसको एक्यूरेसी जो है इसकी वो कम कर देते हैं। मैं इसकी एक्यूरेसी जो है 10 ग्राम इस टाइम कर देता हूँ। जी फ्रेंड, ये मैंने अब इसको 3 डेसिमल के ऊपर चला दिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ तीनों कोनों पे वजन रख के। तो यहाँ पे जब मैं रखता हूँ तो ये 20 केजी हमें 80 ग्राम शो कर रहे हैं, यानी 80 ग्राम का जो है यहाँ पे फर्क था जो हमें 100 ग्राम ही शो कर रहा था। तो इसी तरीके से अब मैं इस कोने पे रखता हूँ, यहाँ पे हमें पूरा 100 ग्राम का ये फर्क दे रहा है। एक इस कोने पे 80 ग्राम का है, इस कोने पे 100 ग्राम का है। ये जो है हम एक पेपर के ऊपर नोट कर लेंगे। इस कोने पे हम रखते हैं तो यहाँ पर 19 किलो 900 ग्राम शो कर रहा है, यानी पूरे 100 ग्राम का जो है यहाँ पर शो कर रहा है। ये मैं पेपर के ऊपर लिख लेता हूँ, ये मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसकी प्लेटफॉर्म की। यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें 20 किलो 80 ग्राम शो कर रहा था और यहाँ पर हमें 20 केजी 100 ग्राम शो कर रहा था। यहाँ पर तीसरे कोने पे जो है हमें 19 किलो 900 ग्राम शो कर रहा है और चौथे कोने पे जो है और चौथे ग्राम पर हम चौथे कोने पे हमें 19 किलो 930 ग्राम शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं इस कोने पे हमें 20 किलो इस कोने के ऊपर हमें 20 किलो 80 ग्राम, इस कोने पे 20 किलो 100 ग्राम, उस कोने पे 19 किलो 900 ग्राम और जो एंड वाले कोने पे 19 किलो 930 ग्राम हमें शो कर रहा था। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है उसको हमने हटा देना है। ये जो प्लेटफॉर्म है ऊपर से हमने हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इस तरह की एक रेती होनी चाहिए। ये रेती हमारे पास कोई भी आप गोल रेती ले सकते हैं इस तरीके की। तो ये रेती से आपने क्या करने हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये लोड सेल के दरमियान में जो है इस तरीके के गैप होते हैं, तो जहां पे भी वजन का फर्क आ रहा होगा हमने काम को ज़्यादा करना है, तो यहाँ से हमने बढ़ाना है। यहाँ से हमने रेती लगाएंगे जिसकी वजह से वजन बढ़ जाएगा। तो ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ।
तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूं कि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, अब जो है हम इस कोने पे अगर हम रखते हैं तो इस कोने पे हमें 19940 हमें शो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये कोना जो है जो कम शो कर रहा है उसको हम यहाँ पे रेती लगाएंगे। ये मैंने रेती लगाई, डेड वेट को नीचे उतार के इसको एक दफ़ा हम ज़ीरो कर लेंगे। ज़ीरो कर लिया और अब जो है मैं यहाँ पे डेड वेट रखता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं 19,960 ग्राम यानी बढ़ गया है। अब हमने और बढ़ाना है, मज़ीद बढ़ाना है। इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए मज़ीद हम रेती यहाँ पे लगाते हैं। इसको हम दोबारा ज़ीरो कर लेते हैं एक दफ़ा। इसको हम एक दफ़ा दोबारा कैलिब्रेट कर देते हैं। जी फ्रेंड, ये हमने दरमियान में रख के दोबारा एक दफ़ा कैलिब्रेट कर दिया है। अब हम दोबारा इस तरीके से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है 20,700 ग्राम है। इसी तरीके से यहाँ पर 20,050 ग्राम है। यहाँ पर हम देख लेते हैं 19,950 ग्राम। पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोना इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ था तो 19,900 ग्राम था। अब यहाँ पे 950 ग्राम यानी बढ़ गया है। अब इस तरीके से हम चौथे कोने के ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर 19,940 ग्राम है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पहले वही 40 है, ये अभी हमने कोना नहीं छेड़ा। तो अब हम जो है जो दूसरा कोना है इसका 940 यहाँ पर है और यहाँ पर 960 है। इस कोने को अभी हम दोबारा और बढ़ाते हैं यानी जहाँ पे हमें वजन कम शो कर रहा होगा वो हमने रेती से यहाँ पे लगानी है रेती। यहाँ पे भी रेती लगा देते हैं, यहाँ पे भी अब हम रेती लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी वजन कम शो कर रहा था। ठीक हो गया फ्रेंड, अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा कैलिब्रेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी फ्रेंड, ये दरमियान में 20 kg शो कर रहा है और इस कोने में जहाँ पर पहले ये 19,900 ग्राम शो कर रहा था वहाँ पे 19,970 ग्राम पर ये आ गया है। और इस तरीके से यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर 19,930 ग्राम शो कर रहा था हमें पहले, तो यहाँ पर 19,980 ग्राम पर आ गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर पहले 20 किलो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ था, ये 20,080 ग्राम शो कर रहा था तो यहाँ पर 20,040 ग्राम के ऊपर आ गया है यानी ये काफ़ी हद तक अपनी असल पोजीशन के ऊपर आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, दोबारा इसी तरीके से रेती लगानी है। अब हमने ज़्यादा रेती नहीं लगानी,
ठीक है, यहाँ पर भी हमने लगा दी और यहाँ पर भी हमने रेती लगा दी है। अब जो है इसको हमने ज़ीरो करना है और अब हम इसके ऊपर वेट चेक करते हैं। अब जब हम दरमियान में वेट रखते हैं, ये दरमियान में मैंने रखा वेट, तो यहाँ पे 20 किलो पूरा बता रहा है और इस कोने के ऊपर जहाँ पे पहले 19 किलो 900 ग्राम बता रहा था और यहाँ पर अब 19 किलो 970 ग्राम हो गया और यहाँ पर 19 किलो 30 ग्राम शो कर रहा था, तो यहाँ पर जो है 19 किलो 980 ग्राम पर आ गया। और इसी तरीके से इस कोने के ऊपर 19 किलो 100 ग्राम शो कर रहा था, जो इंडिकेटर वाला कोना है 19 किलो 100 ग्राम शो कर रहा था, तो यहाँ पर 19 किलो 40 ग्राम के ऊपर आ गया है। तो और चौथा कोना हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी 20 किलो 40 ग्राम था, यहाँ पर भी 20 किलो 30 ग्राम था, जहाँ पे पहले जो शो कर रहा था 20 किलो 80 ग्राम शो कर रहा था। तो अब हम मज़ीद जो है इसको यहाँ पर जो 70 की यहाँ पर 19 किलो 60 ग्राम है मज़ीद थोड़ा सा हमने और रेती लगानी है, उसके बाद फिर हम कैलिब्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर भी रेती लगाई और यहाँ पर भी हमने रेती लगा दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंपल कैलिब्रेट कर देते हैं एक दफ़ा। एंटर के बटन को दबा के हमने ऑन किया, टीयर के बटन को प्रेस किया, अब हम इसको 100 ग्राम पे कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने अब हम 100 ग्राम पे कर देते हैं, टीयर के बटन को प्रेस किया, यहाँ पर भी हम पॉइंट के बाद 10 कर देते हैं। कैपेसिटी जो है हम इसकी 600 किलो कर देते हैं, ज़ीरो कैलिब्रेशन आ गई और ये यहाँ पर हम 20 लिख के डेड वेट प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं और टेयर के बटन से कैलिब्रेट कर देते हैं। तो अब हम चेक करते हैं क्या चारों कोनों के ऊपर ये बराबर हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे इस कोने पे आ गया, इस कोने के ऊपर पहले जो था 20 किलो 800 ग्राम था, लेकिन 100 ग्राम हमें ये शो कर रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 किलो हमें पूरा शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम इस कोने पे रखते हैं, यहाँ पर भी हमें 20 किलो पूरा शो कर रहा है और इस तरीके से हम इस कोने के ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पर भी हमें 20 किलो पूरा शो कर रहा है। तो इसी तरीके से हम इसको चौथे कोने के ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 20 किलो हमें पूरा शो कर रहा है, यानी चारों कोनों के ऊपर भी अब बराबर हो गया है डेड वेट से। और अगर हम इसको सेंटर में रखते हैं तो सेंटर के ऊपर भी हमें ये पूरा एक्यूरेट वेट दे रहा है। अब जो है मैं इसका एक दफ़ा ऊपर से पैन लगा दूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा, एक दफ़ा कैलिब्रेट कर दूंगा पैन रख के और फिर आप देखिएगा कि ये चारों कोनों पे बराबर वेट शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम डेड वेट को हटा देते हैं, इसके जो ऊपर पैन था वो हम इसके ऊपर लगा देते हैं।
5 केजी का जो है इसका ऊपर वाला पैन है, तो सिंपल हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं एक दफा। ये आप देख सकते हैं 20 किलो यहाँ पर हमें एक्चुअल शो कर रहा है, बराबर शो कर रहा है। इसी तरीके से इस कोने पे अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर भी हमें 20 किलो पूरा बता रहा है। इस तरीके से अगर मैं इस कोने पे रखता हूँ तो इस कोने के ऊपर भी हमें 20 किलो पूरा बता रहा है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो तीसरे कोने के ऊपर भी हमें 20 किलो पूरा बता रहा है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर भी हमें 20 किलो पूरा बता रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये चारों कोनों के ऊपर हमें पूरा 20 किलो बता रहा है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को जो है ये इसके चारों कोने किस तरीके से बराबर करते हैं इस चीज़ की समझ लग गई होगी। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या अगर आप लोड सेल इंडिकेटर प्लेटफॉर्म या कोई भी चीज़ अगर आप लोग हमारे से परचेज करना चाहते हैं तो ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, आप लोग अच्छी कीमत में हमारे से ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।